नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और नए यूनिक्स स्लाइव के टिप्स एंड ट्रिक ट्यूटोरियल के वीडियो में। जैसा कि आपने कल एसप्रो वाले टिप्स एंड ट्रिक ट्यूटोरियल वीडियो को बहुत प्यार दिया एंड कमेंट्स में भरपूर भर दिया कि भाई रीफायर ट्रिक की भी वीडियो लाओ, तो आज हम ला लिए हैं रीफायर ट्रिक की वीडियो। और हर बार की तरह हर ट्रिक में हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड देंगे। तो इस ट्रिक के भी 3 स्टेप्स हैं, कोई कोई ट्रिक के 4 स्टेप्स भी होंगे आगे चल के। वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि और कौन सी ट्रिक्स का हमें वीडियो डालना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड देनी है। तो फिलहाल ये ट्रिक की बात कर लेते हैं। रीफायर ट्रिक के लिए बैक जंप, रोटेट एंड डबल जंप, ये तीनों स्टेप रहते हैं। एंड बढ़ते हैं हम अपने पहले स्टेप की ओर, जो कि रहेगा बैक जंप। एंड बैक जंप में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है जिस पर आपको रीफायर करना है, एंड कुछ इस तरह आपको बैक जंप करना है, यानी कि हवा में जंप करना है। और हाँ, याद रखना, हवा में जंप करते टाइम पैनिक नहीं होना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं हवा में जंप करते हुए। आप आराम से यार हाथ हल्का करके कोई भी ट्रिक करिए, सारी की सारी ट्रिक्स आपको 100% रिजल्ट के साथ होते हुए मिलेगी। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात, जो ये पर्पल लाइन पर आपको एरो दिखाई दिए, उसी पर्पल लाइन पर आपका अगर कैरेक्टर आए तभी ही आपको बैक जंप करना है। आपने उससे 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद आने पर कर दिया आपके कैरेक्टर को, तो फिर शायद ये ट्रिक ना हो, आप लेज़र में गिर जाएं या खाई में गिर जाएं। बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है रोटेट। बैक जंप की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एज लाइन पर आने के बाद, पर्पल लाइन पर आने के बाद। फिर आपको कुछ इस तरह रोटेट करवाना है अपने कैरेक्टर को। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दूसरा स्टेप होता है कोई भी ट्रिक में, एंड ये ट्रिक में भी वही दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, जो कि है रोटेट। एंड आपको रोटेट करना है अपने कैरेक्टर को, जॉयस्टिक घुमानी है। एंड अगर आपने सही से जॉयस्टिक नहीं घुमाई तो आपका हाल भी मेरे जैसा होगा, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा। जॉयस्टिक आपको अच्छे से घुमानी है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत करनी है। तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डबल जंप, सबसे ईजी स्टेप। पहला और दूसरा स्टेप अगर आपका सक्सेसफुली हो गया तो ये तीसरा स्टेप कुछ भी नहीं है, बस आपको जंप को एक बार फिर दबाना है, डबल जंप हो जाएगा, आपकी रीफायर ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो पहला और दूसरा स्टेप है, बैक जंप एंड रोटेट, उसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे कोड में खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ। तो आप भले आइए मेरे कोड में, फ्रीली खेलिए, स्ट्रीम का टाइम है दोपहर या शाम को, तो आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। एंड प्रैक्टिस आपको करनी है कोई भी ट्रिक 100% कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वरना मेरे कमेंट में आके लोग बोलते हैं भाई ट्रिक ही नहीं हुई, ट्रिक ही नहीं हुई, स्ट्रीम में आके बोलते हैं, अरे आप प्रैक्टिस करो ना, मैंने जो स्टेप बताए उन सारे स्टेप्स की प्रैक्टिस करो, वरना आप लेज़र में गिर जाओगे या फिर आप खाई में गिर जाओगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो फॉर डेली स्टंबल गाइस कंटेंट, डेली स्टंबल गाइस स्ट्रीम। एंड कमेंट में बताइए अगली कौन सी ट्रिक का वीडियो बनाएं।